अगर दोस्तों आप भी असील मुर्गों के शौकीन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे असील यूट्यूब चैनल के लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देसी पोल्ट्री फार्मिंग करके आप महीने भर के भीतर भीतर में 20 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो लोग नामुमकिन को मुमकिन करने की ताकत रखते हैं वही लोग आज का वीडियो देखिएगा, क्योंकि सबसे पहली बात 20 लाख रुपए प्रति माह कॉन्ट्रैक्ट देसी पोल्ट्री फार्मिंग से किस हिसाब से करना है, ये बात सोच के ही लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, लोगों को ये बात इम्पॉसिबल सी लगने लगती है। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा दोस्तों, जब लोग पानी बेच के मतलब बिस्लरी बॉटल में पानी भर के उसको बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं, मैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट देसी पोल्ट्री फार्मिंग करके महीने के 20 लाख रुपये कमाने की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आज का वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आपको इस बात पर भरोसा नहीं है तो फिर भी आपके लिए ये वीडियो नहीं है। जिन लोगों को भरोसा लगता है कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ, तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर दिखेगा। मैं ईच एंड एवरी टॉपिक किस हिसाब से आप 20 लाख रुपये प्रति माह कॉन्ट्रैक्ट देसी पोल्ट्री फार्मिंग करके कमा सकते हो उसके बारे में प्रॉपरली गाइडेंस करूंगा। जो लोग कॉन्सेप्ट या फिर आइडिया मिलने के बाद उस चीज को अमल कराने की ताकत रखेंगे, गारंटेड वो महीने के 20 लाख रुपए जरूर कमाएंगे। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी लोग रिस्क उठा सकते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट है और जो नामुमकिन को मुमकिन करने की ताकत रखते हैं, वही लोग आज का वीडियो जरूर देखेगा। वीडियो के आगे ले जाने के पहले सबसे पहले पीडीएफ ईबुक और हार्डबुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपए में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपए में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपए ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। यहाँ पर देसी कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करके 20 लाख कमाने की यहाँ पर जब बात हो रही है तो यहाँ पर खुद आप देसी कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करके 20 लाख रुपए कमाई इसकी मैं बात नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, कोई भी बिजनेस तभी चलता है जब आप लोगों की जरूरत को पहचानते हो। तो आज के इस पोल्ट्री फील्ड में मतलब मैं मैक्स टू मैक्स बात करूंगा, देसी पोल्ट्री इंडस्ट्री में जो भी हमारे पोल्ट्री फार्मर भाई है जो देसी मुर्गियां पालते हैं उनकी जरूरत क्या है। सबसे पहले तो जरूरत यह है कि उनके माल को यानी कि उनके मुर्गियों को, देसी मुर्गियों को एक अच्छा रेट मिले, और दूसरी बात जब वो 3000-5000 क्वांटिटी की बड़ी बैच डालते तो उनकी जल्दी से जल्दी बैच सेल आउट हो जाए। ठीक है, तो ये अगर दोनों भी बातों को अगर सॉर्ट आउट अगर आप कर सकते हो तो 100% आप 20 लाख रुपए क्या 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए प्रति माह भी कमा सकते हो। तो वो किस हिसाब से कमा सकते हो उसको गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो आपको देसी कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग खुद नहीं करना है, देसी कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग की संस्था स्थापन करके पोल्ट्री फार्मर भाइयों को अपने कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग के अंडर में लाना है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करवाना है। ठीक है, यहां पर सबसे पहली बात तो देसी कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग और कड़कनाथ कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग के नाम पर बहुत सारी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड में फ्रॉड वाला काम किया है। तो सबसे पहले जब कभी भी आप देसी कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग फार्मर से करवाओगे तो जब चिक्स उनके फार्म पर पहुंचेगा तभी आप चिक्स का पैसा उनसे लोगे, जब फीड फार्मर की तरफ पहुंचेगा तभी आप फार्मर से फीड का पैसा लोगे, और जब मेडिसिन फार्मर की तरफ जब पहुंचेगी तभी फार्मर आपको मेडिसिन का पैसा देगा। तो इसके वजह से पूरा का पूरा जो बिजनेस शेड्यूल होगा वो पूरा का पूरा एक विश्वास का बिजनेस शेड्यूल होगा। यहां तक के बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, इनिशियल स्टेज पे आपको क्या करना है, आपका खुद का ही इंक्यूबेशन मशीन होना चाहिए, जिससे कि आप पोल्ट्री फार्मर को खुद का ही देसी का चिक सप्लाई कर सको, खुद का ही फीड प्लांट होना चाहिए जिससे कि आप अपने फार्मर्स को अपने खुद का ही कंपनी का फीड उनको दे सको। यहां पर देखने के लिए बात बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की लग सकती है, लेकिन जिस भी भाई के पास मिनिमम 20 से लेकर 25 लाख के आसपास की अरेंजमेंट होगी वह आराम से 20 लाख रुपए प्रति माह इनिशियल स्टेज से कमाना चालू कर सकता है। तो धीरे धीरे मैं क्या कह रहा हूं उसको गौर से सुनेगा। इनिशियल स्टेज पे क्या करना है, इंक्यूबेशन आपका खुद का होना चाहिए, हैचिंग मशीन आपकी खुद की होनी चाहिए, और दूसरी बात फीड प्लांट या फिर जो भी फीड आप तैयार कर रहे हो वो भी आपका खुद का ही होना चाहिए। इनिशियल स्टेज पर मैं बात अगर करूं तो कोई भी जो राज्य होता है, स्टेट होता है, ठीक है, छोटा सा छोटा राज्य भी अगर पकड़ लेते तो उसमें भी लाखों में फार्मर्स आपको एक राज्य में मिल जाएंगे। यहां पर मैं बात कर रहा हूं जैसे कि मान के चले महाराष्ट्र की भी अगर बात करूं तो महाराष्ट्र में लाखों देसी पोल्ट्री फार्मर्स हैं,
उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए प्रति माह अगर आपको कमाना है तो इनिशियल स्टेज में लाखों देसी पोल्ट्री फार्मर से मात्र और मात्र 90 से लेकर 100 पोल्ट्री फार्मर को आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग से कनेक्ट करवा लेना है। यहाँ पर आप दो फैसिलिटी उनको दे रहे हो, एक फिक्स होलसेल रेट उनको, मतलब मान के चले 150 रुपए पर 1 केजी या फिर 160 रुपए पर 1 केजी का उनको फिक्स रेट उनको दे रहे हो, पूरा का पूरा जितने भी उनके बर्ड्स रहेंगे वो 2 से लेकर 3 दिन के भीतर में उनसे उठा रहे हो, और दूसरी बात चिक्स फीड और मेडिसिन ये सबके सब आपके कंपनी का उन फार्मर्स को जा रहा है। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट कैसे होगा, सबसे पहली बात मान के चले इनिशियल स्टेज पे जो पोल्ट्री फार्मर ने जनवरी को बैच आपसे डाली थी उनको रिक्वायरमेंट गिरेगी 3 महीने के बाद, दूसरे महीने में जिन पोल्ट्री फार्मर ने आपके बैच से बैच डाली थी उनको रिक्वायरमेंट गिरेगी उसके 3 महीने के बाद। इस हिसाब से जो भी एक बार अगर आपके 30 फार्मर इनिशियल स्टेज पे पहले महीने में, 30 फार्मर दूसरे महीने में और 30 फार्मर तीसरे महीने में जुड़ गए तो कंटिन्यूसली आपके 12 महीने की साइकिल चलती रहेगी, और जैसे जैसे आपका ये ट्रेंड बढ़ते जाएगा आपके फार्मर्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी, आपकी क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी और आपका प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगा। तो इनिशियल स्टेज पे मान के चले अगर आपके जनवरी महीने में आपने 30 फार्मर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं और हर एक इंडिविजुअल पोल्ट्री फार्मर्स मिनिमम 3000 कैपेसिटी की देसी पोल्ट्री फार्मिंग करता है, ठीक है, तो इस हिसाब से महीने भर के भीतर भीतर में आप 1 लाख चीज की प्लेसमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग पर करते हो। यहाँ पर पूरे का पूरा हिसाब आपको बिल्कुल क्लीन रखना है, जब कभी भी चिक्स पहुंचेगा, जब कभी भी फीड पहुंचेगा, जब कभी भी मेडिसिन पहुंचेगा तभी फार्मर आपको पैसा देगा, बदले में कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग के बेसिस पर आप उनके पूरे के पूरे मुर्गियां बेच के दे रहे हो, पूरे के पूरे मुर्गों का एक कांस्टेंट रेट दे रहे हो, चाहे फिर वो धूपकाला हो, चाहे फिर वो रेनी सीजन हो, चाहे फिर वो ठंडकाले का मौसम क्यों ना हो। इस तरीके से जो रिक्वायरमेंट पोल्ट्री फार्मर्स की होती है कि उनको एक फिक्स रेट चाहिए होता है माल बेचते समय, मुर्गियों को बेचते समय, और जो भी एक दिक्कत आती है मुर्गियों को सेल आउट करते समय जब कभी भी लार्ज क्वांटिटी में अगर कोई पोल्ट्री फार्मर देसी पोल्ट्री फार्मिंग करता है तो ये दोनों भी चीजें आप सॉर्ट आउट कर दे रहे हो। तो यहां पर बात में क्या कर रहा था कि 1 लाख का चीज की प्लेसमेंट हो जाएगी 30 फार्मर्स 3000 कैपेसिटी के हिसाब से अगर डालते हैं तो इस हिसाब से हर एक महीने में आपकी 1 लाख चीज की प्लेसमेंट होगी जो कि आपके पास खुद की ही हैचरी है। जैसे कि आपको पता है डीपी क्रॉस या फिर सोनाली जो मुर्गी होती है उसका मार्केट ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छा खासा है, तो ये मुर्गी तकरीबन 3 केजी फीड खा के 1 किलो का बॉडी वेट गेन करती है। तो ऐसे में 1 महीने में इंडिविजुअली आप 1 लाख चिक्स जब प्लेसमेंट करते हो तो इंडिविजुअली आपका हर एक महीने का टर्नओवर 3 लाख फीड का होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है ना कि महीने वाइज जैसे जैसे चिक्स प्लेसमेंट हो जाते हैं तो आपका महीने का शेड्यूल निकल के आता है, तो 3 लाख केजी फीड रिक्वायर्ड रहेगा आप प्लेसमेंट चिक्स जब करते हो तो 3 लाख केजी फीड भी आप पोल्ट्री फार्मर्स को देते हो। यहां पर बात निकल के आती है दोस्तों, यहां पर सबसे मेन फायदा क्या है, जो उनके आपने दो चीजें सॉर्ट आउट करा के दे दी है, उनको एक तो फिक्स होलसेल रेट 150 रुपए 160 रुपए प्रोवाइड करा दिया है, और दूसरी बात लार्ज क्वांटिटी में होने के बावजूद भी 2 से लेकर 3 दिनों के भीतर ही आप उनकी पूरी की पूरी मुर्गियां उनके फार्म से 1 किलो होने के बाद उठा दे रहे हो। तो इस वजह से क्या होगा कि फार्मर्स भी आपके साथ जुड़ते जाएंगे और आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। अभी बात कर लेता हूं कि हैचरी कंपनी आपकी खुद की होने की वजह से जितने भी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट रहती है चिक्स की, उससे आपको 5 रुपए के आसपास में 1 चिक्स के पीछे प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब 1 लाख चिक्स जब आप प्लेसमेंट करते हो 30 फार्मर को महीने भर के भीतर में, तो ऐसे में आप 5 लाख का प्रॉफिट डायरेक्टली निकल के आता है। आपको कस्टमर्स ढूंढने की जरूरत नहीं है कि भैया मेरे तरफ से चिक्स ले लो, क्योंकि आप उसको इतनी बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दे रहे हो, एक कॉन्स्टेंट जो होता है होलसेल रेट, और उनको बेचने की जिम्मेवारी आप उठा रहे हो, तो कोई भी फार्मर आपके साथ जुड़ने के लिए 100% रेडी होता है। अभी बात कर लेता हूं आपका खुद का ही फीड प्लांट होने के वजह से, जब इतने बड़े क्वांटिटी में आपके चिक्स की प्लेसमेंट होती है तो उतने ही बड़े क्वांटिटी में आप अपने फीड की मैन्युफैक्चरिंग करते हो। जब भी आप लार्ज क्वांटिटी में फीड की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो ओवरऑल बहुत ज्यादा कम होता है। ऐसे में आज मिलने वाले 25 रुपए पर 1 केजी का जो भी देसी का पोल्ट्री फीड होता है वो आपके फीड प्लांट में मात्र और मात्र 19 रुपए से लेकर 20 रुपए पर 1 केजी के हिसाब से ही बन जाएगा, जो कि आप अपने फार्मर्स को 25 रुपए पर 1 केजी के हिसाब से सेल आउट कर रहे हो। तो 3 लाख केजी फीड लगेगा 1 लाख चीज की प्लेसमेंट करने के बाद, तो 3 लाख केजी मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए की भी अगर अपनी मार्जिन रहती है तो 15 लाख आपका सिर्फ और सिर्फ फीड के पीछे ही मार्जिनिंग निकल के आता है। जिसके पीछे की मार्जिन 5 लाख रुपए और 15 लाख रुपए फीड के पीछे की मार्जिन, इस हिसाब से आप हर एक महीने में 20 लाख रुपए की प्रॉफिट कमा सकते हो। उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरी बात, जो भी आप होलसेल में मुर्गिया जब आप ट्रेडर वालों को या फिर होलसेलर वालों को हाथों हाथ दोगे उसका प्रॉफिट अलग ही रह गया, और 1 लाख जिसके प्लेसमेंट करने के बाद जब आप उनको मेडिसिन सप्लाई करोगे उस पर की भी जो भी डिस्काउंटिंग लेवल काट छाट कर जो भी आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है वो भी अलग का ही खर्चा रहेगा।
ठीक है। जैसे कि मैंने कल के एक कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग के वीडियो में बताया कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग पैसा कमा रही है उनके खाने के दाँत अलग होते हैं और दिखाने के दाँत अलग होते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग ब्रॉयलर में है, सुगना हो गया, वेंकी हो गया, ठीक है, और आईबी कंपनी हो गया, ये सभी के सभी कंपनियां ब्रॉयलर बेच के पैसा नहीं कमा रही है। जो ब्रॉयलर की चिक्स की प्लेसमेंट करती है, चिक्स के पीछे उनके पैसे निकल जाते हैं और उनके खुद के बड़े बड़े फीड प्लांट होते हैं, उसके बाद जब वो फीड वो चिक्स देने के बाद फार्मर्स को प्रोवाइड करती है, उस फीड के पीछे उनकी प्रॉफिट मार्जिन होती है। तो यही काम है, यही फंडा आपको देसी पोल्ट्री फार्मिंग का माना है। ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, सुगुना हो गई, वेंकी हो गई, इंडियन ब्रॉयलर हो गई, इनको टक्का देना इनिशियल स्टेज पे तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात आ सकती है, लेकिन देसी पोल्ट्री फार्मिंग में आपके लिए बहुत बड़ा स्कोप, मतलब बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है। अगर कोई भी पोल्ट्री फार्मर भाई इस आइडिया को सुनने के बाद अगर काम चालू करता है तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है और 100% सक्सेसफुल होने की गारंटी भी है। इनिशियल स्टेज पे हाँ मैं मानता हूं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि सबसे ज्यादा दो चीजें आप अपने कस्टमर्स की सॉर्ट आउट कर रहे हो। पहली बात तो रेट का इश्यू सॉर्ट आउट कर रहे हो और दूसरी बात ज्यादा क्वांटिटी में जब देसी मुर्गियां रहती है तो उसको कोई लेने को देखता नहीं, वो भी चीज आप सॉर्ट आउट कर रहे हो। यहां पर बस आपको एक ही चीज को फोकस करना है, जो भी देसी मुर्गियों की क्वांटिटी होती है उसको सेल आउट मतलब मार्केट में कहां पर उसको बेचना है, उसका अगर आप प्रोग्राम बना लेते हो तो 20 लाख रुपए प्रति माह कमाना 20 से लेकर 25 लाख रुपए लगा के इनिशियल स्टेज पे कोई भी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ लाखों देसी पोल्ट्री फार्मर से आपको मात्र और मात्र 80 से लेकर 90 पोल्ट्री फार्मर आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़वा लेना, और उसका क्या भी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो भी मैंने आपको समझाकर बता दिया। अगर आज का ये कॉन्सेप्ट या फिर प्रॉफिट का जो भी कैलकुलेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप भरोसा करते हो कि हाँ ये जो भी प्लान है, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो वाकई में करने लायक है और ये करने के बाद प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह का पॉलिटिकल नॉलेज वीडियो देखने को मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर दोस्तों आप भी असल मुर्गों के शौकीन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे असल यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।